मानती है आप? कंपटीशन सामने तो भी कोई है नहीं, जैसे मैंने पहले बोला। शर्माओ ना भाई, पूछ लो क्या हो गया। हाय भारती जी। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने कुर्सी के पीछे आपकी थोड़ी सी आए जैसे देख ली। शो का नाम है भारती का शो, आना ही पड़ेगा। कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको आपका इंतजार है कि इन्हें लाना है, इन्हें आना ही पड़ेगा है? हाँ जी, बच्चन साहब। ओके, तो केबीसी में गई नहीं अभी तक, तो उनको शायद मेरा इंतजार है कि आना ही पड़ेगा। बट जब भी बुलाए तो सीजन खत्म होने वाला है, कोशिश करेंगे हम भी उनको लेकर आए अपने शो में। और पता नहीं, हर्ष को तो इंतजार था लाइफ में आना ही पड़ेगा, बट मैं आ गई। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो मेरे बारे में सोच रही है कि आना ही पड़ेगा। आप बताओ, आप सोचते हो? शर्म आनी चाहिए, पति बैठा चूड़ा भी नहीं उतरा अभी, मतलब छोटा भी है। कोई ऐसी पर्सनालिटी जैसे कि भारती जी ने बताया कि बच्चन साहब का इंतजार रहेगा आप? मैं शाहरुख सर को, मेरे को शाहरुख सर का इंतजार है कि वो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, और कई बार उनके लिए थोड़ा बहुत लिखा है कॉमेडी शोज में, तो वो उनका इंटरव्यू करने में बहुत मजा आया, बिकॉज उनके जितना कैंडिड और ऑनेस्टली विटी आंसर देने वाला आई डोंट थिंक सो कोई और है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत रोमांटिक है, एंड फिर भारती जी का वहाँ भी रोमांस स्टार्ट हो सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? करेक्ट भारती, मन्नत वाला बंगला इनको भी पसंद है। अगर एक दो पप्पियों से मिल जाता है तो अच्छी बात है ना। ये भी है। वेलकम टू भारती का शो, आना ही पड़ेगा। बाकी अभी पति को बोलने देते हैं, है ना? बोलो, सारा तूने बोल दिया। वही घरवाली फीलिंग ही आती थी, बिकॉज चैनल भी एकदम दोस्तों की तरह, हाँ ठीक है कब शुरू कर रहे हो, आधा घंटा रहेगा, हाँ कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं। एक बात और कहनी थी, पैसा अभी तक नहीं दिया। इधर से आ गया हुआ है हर्ष, देना। अरे घर की बात है, कर लेंगे, तो वो घर की बात मुझे लगता है कि दे देने चाहिए ना पैसे। बिल्कुल, कहता जितना भी पैसा मिला उसमें सिर्फ 1,00,000 मैं रखूंगा, बाकी तेरा। वो गुजराती नहीं जो पैसा देते। हाँ जी, और जी। हाय भारती। हेलो जी। सो भारती, कॉमेडी के साथ साथ कुछ प्रेशर भी है आपकी, कुछ ऐसा कॉमेडी चैट शो जो काफी आ चुके हैं, आप कुछ न्यू तरह कुछ लाने वाली हैं, ऐसा कुछ प्रेशर भी है आप पर? प्रेशर? अभी तो बेबी का प्रेशर है, शादी हो गई, 9 महीने हो गए, तो सब कर रहे हैं ना, कब खुशखबरी, मतलब उनको लगता है शादी करो, इसके बाद यही कर लो। प्रेशर मेरे पे कभी नहीं रहा, और कॉमेडी कभी प्रेशर से नहीं होती। शादी के बाद मैंने काफी ब्रेक लिया था, और ये हर्ष ने कहा था कि जब मन करे तब करना, थोड़ा इतने 8 साल काम किया, अभी शादी के बाद थोड़ा ब्रेक लेती। तो मैंने बहुत बहुत, जैसे अभी कॉमेडी सर्कस हुआ वो मैंने नहीं किया, बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट की रात वो मैंने नहीं किया, तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेना था, क्योंकि 10 साल इस चीज को टाइम दिए, घर एक ही बार बसा है अभी, और भगवान करे बसा ही रहे, तो उस चीज को मैं थोड़ा टाइम दे रही थी, हर्ष को, अपने सास ससुर को, अपनी फैमिली को। और अब बैक टू बे वापिस आई हूँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, ये भारती का शो आना ही पड़ेगा, और बहुत सारी अपकमिंग चीजें हैं, तो प्रेशर कभी भी नहीं मैं लेती, मैं हमेशा मस्ती से काम करती हूँ। वो अक्षय को पता है, क्योंकि अक्षय डायरेक्टर है, वो इन ईयर पे वही होता है कि इसको ये बोल दो, आप ये बोल दो, तो उसको भी पता है कि उसने बोल दी लाइन, चाहे मैं अभी 15 मिनट बाद बोलूं या 2 मिनट बाद बोलूं, मुझे बोलनी है, मैं कभी प्रेशर लेती। और कॉमेडी जितनी आप मस्ती से करेंगे ना तभी होगी, प्रेशर नहीं भाई, प्रेशर तो सुबह नहीं लेते हम। भारती, आपने स्टार्ट किया था एक छोटे से कि सिटी से आई आप, तो आज आप लवगत क्वीन है, तो कुछ इमोशनल भी कुछ कनेक्शन होता है आपका पर्सनली? होता है भाई, और आज भी बड़ा दुख होता है कि जिस लड़की को भी पूछो ना कभी जाओ शोज करने कि क्या बनना है, मुझे ना मॉडल बनना है, मुझे ये करना, कॉमेडियन कोई भी नहीं बोलता लड़की,
उनको लगता है कि मजाक का विषय है, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ सामने वाला बोलता है हमको मत बोलना, वो डर जाते हैं कि अरे क्या बोलेंगे आप, ये वो, मतलब थोड़ा हो जाता है। तो मुझे भी होता है कि मेरे कंपटीशन में भी कोई आए ताकि मुझे भी मेहनत करने का मौका मिले। मुझे मेहनत करने का मौका मिल ही नहीं रहा क्योंकि सामने कोई आ ही नहीं रहा। सबको मॉडल बनना है, सबको हीरोइन बनना है, लेकिन मैं एक बात पहले भी मैंने बोली अभी भी बोलती हूँ कि जो हीरोइन मॉडल ये एक बार आते हैं फिर फ्लॉप हो जाते हैं। कॉमेडियन कभी फ्लॉप नहीं होता, चाहे वो जॉनी लीवर जी ले लो, 20 साल पहले भी फिल्मों में आते थे और हंसते थे हम, और आज भी उन पे हंसते हैं। सो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक कॉमेडियन हूँ। और लड़कियाँ सोचती कॉमेडियन बन जाएंगी तो लड़के मतलब मजाक उड़ाएंगे, शादी नहीं होगी, इधर देखो हो गई, पति भी डरता है और अपनी बीवी को लेके शो बनाया, मजा आ रहा है किसी को लेके बनाया। वैसे तो इनका था कि सनी लियोनी को लेके बनाऊं मैं तो ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन डर अपनी जगह होता है ना। करवा चौथ भी तो रखा था ना, मैं सारा दिन डराती रही, अगर ज्यादा कुछ किया तो पानी पी लूंगी। तो भारती जी कॉम्पिटिशन की बात हो रही थी, आज करंटली आप किसे सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन मानती है आप? सामने तो भी कोई है नहीं, ऐसे मैंने पहले बोला, लेकिन जिनको मैं पसंद बहुत करती हूँ वो है कपिल भाई और कृष्णा। मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, और सुदेश जी उनकी कॉमेडी अलग ही है। मतलब आप कभी नॉर्मली उनसे बात करेंगे ना तो वो पता नहीं चलेगा आपकी कब खींच गए, और आपको लगेगा कि आपकी तारीफ कर रहे हैं। सो ये दो तीन लोग हैं जिनको मैं बहुत मेरे कॉम्पिटिटर हैं और इनको पसंद भी करती हूँ और जेन्युइनली मैं इनकी फैन भी हूँ। और बस एक साथ आ रहे हैं आप देखिएगा, ताकि फिर पता चलेगा क्या कॉम्पिटिशन है। हर्ष जी एंड भारती जी, जैसा कि आपने बताया कि किस हमने ये भी तो थोड़ी सी देखी, तो किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपके शो में? जो आप पहले बता दे फिर आप देखो ही ना, हम 3 तारीख को देखो ना। हाँ वो तो जस्ट फिर मुझे फोन करके बोलना कि कैसा लगा, 9 बजे से पहले करना, फिर ये आ जाते लंबी बात नहीं कर पाएंगे। किस तरह के शो, किस तरह सवाल पूछे जाएंगे आपके शो में? सवाल काफी हम थोड़ा भी बहुत कोशिश किए कि हम सीरियस जोन में ना जाए, बिकॉज आप जब टीवी ऑन करते हो तो वैसे नेगेटिविटी बहुत फैल रही है। तो हमारा था कि जिंदगी में मस्ती मजाक हंसते हंसाते थोड़ा वो मेरी बेइज्जती करे, थोड़ा मैं उनकी करूँ, हंसते खेलते एपिसोड निकाल दे। तो वही था कि ये शो में ना ही कोई कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, ना ही कोई इमोशनल सवाल है, बस है कि मस्ती वाले सवाल है भाई कि क्या कर रहे हो। वो सवाल जो मीडिया भी पूछने से डरती है, और आपस में हम लोग सिर्फ एक अपने घर में आपस में बात करते हैं, व्हाट्सएप पे जो सवाल एक दूसरे को पूछते हैं कि आजकल खा लिए क्या कर रहा है, पैसे वैसे है कि नहीं, वो सवाल हमने सोचा कि हम यार टीवी पे पूछे, और वही सवाल है। और ऐसा नहीं कि हमने उनकी टांग खींची है, मेरी भी बहुत टांग खींची गई सामने से। तो वो होता ना कभी वो सिक्सर मारे कभी हम सिक्सर मारे, तो दोनों को वक्त देना चाहिए। अगर आप भी सिक्सर मारे और वो भी तो फिर बॉल टूट जाएगी ना, तो कभी उनको कभी हमको, तो मतलब मेरी भी काफी हुई है उसमें। लेकिन हर्ष जी जो कंप्लेन की है भारती जी ने आपके खिलाफ, कि पैसे नहीं देते हैं आप, खिलाफ खुशी बरसाने में, मतलब ऐसा क्यों? अब क्या मतलब, घर की बात है यार, मैंने बोला यार घर है अभी यार, बीवी तो है तो उन्हें भी तो पैसों की जरूरत है। हाँ, लेकिन वो मेरे साथ ही रहती है। सो मैंने सोचा चलो घर की बात है, मेरा पैसा उसका पैसा है, वही वाली बात है ना। नहीं नहीं, पैसा अपना अपना, प्यार एक है, पैसा अपना अपना है ना, ये मेरे साथ है, मतलब मैं ये मुझे मन ही मन में पसंद करते हैं, इसीलिए जो मेरे मन में सवाल है वही पूछ रहे हैं ये कि हाँ नेक्स्ट टाइम से जब भी मुझे चेक देंगे मैं फोटो भेजूंगी आपको। काम अपनी जगह यार है ना, आर्टिस्ट अपनी जगह, पत्नी तो घर पे हो ना, इधर भी आर्टिस्ट हूँ, तभी दूर बैठी हूँ मैं इनके थोड़ा करीब। बिल्कुल भी नहीं, अगर कहते ना नेगेटिव बातें करें ना, जो हो गया वो हो गया। अगर हमारी लाइफ से कहते ना कि खुशी के दिनों में उन चीजों को याद ही नहीं करते, हमने भी नहीं पूछा, क्योंकि जैसे उनके फोन कॉल सुने थे ये वो, तो आपको भी लग रहा होगा कि वो कितने स्ट्रेस में है। तो एक बार बात की थी तो उन्होंने पूछा मुझे थोड़ा टाइम दे दो बेटा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, फिर हमने कभी उनसे वो बात नहीं पूछी। आज नए शो की तैयारी कर रहे हैं हम, उनके साथ हैं,
और शादी भी हो रही है जैसे आपको सबको पता है, तो अभी खुशी का टाइम है, कहते ना वो वक्त आता है एक बार, वो रात आती है लेकिन उसके बाद दिन आता है, तो दिन आ गया है तो फिर हम रात की बातें करें ना कि भाई रात को भूत दिखा था या डर गई थी मैं, वो करें ना बातें। तो और सबको इंतजार है कि कपिल भाई वापस आए, क्योंकि रुलाने वाले बहुत ज्यादा है, हंसाने वाले थोड़े हैं, तो जो दो तीन है वो वापिस आने चाहिए। आप भी हंसो ना उदास क्यों, खुश नहीं आप कि हम आए वापिस? हाँ जी ठीक है, थैंक यू। बस कोई और कोई सवाल नहीं? कोई पैसा वैसा मैं नहीं देता, ऐसा कोई सवाल नहीं। आप मुझे आपको कैसा लगता है जब भाई? आप पूछ लो कोई और। पूछ लिया, पैसे वाली बात तो हो गई। कोई दिवाली धूल की पूछना क्या कर रही है ऐसा मुझे बता। अच्छा सो अभी इतनी बातें हो गई मीठी मीठी, आप ऑफिशियली शो को लॉन्च क्योंकि जब से शादी हुई थी बहुत बोझ आ गया था ना कंधों पे। नहीं एक्चुअली क्या था, हम एक बार मिलने आए थे और तब किसी और चीज के लिए मिलने आए थे शिमारो में, और कुछ करना था, कुछ हम सोच रहे थे कि क्या करे क्या करे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग काम कर रहे थे, एंड देन सडनली हम लोग ऐसे एक दिन बैठे हुए थे ऑफिस में, सडनली आया चैट शो टाइप कुछ करे क्या, एंड देन वो बात इतनी अच्छी लग गई हम सबको कि हमने उसी पे बोला चलो इस पे काम करना शुरू करते हैं, इसका एक नाम डिसाइड करते हैं, गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, सेट कैसा होगा और इसको फटाफट फ्लोर पे लेके आते हैं। और मानना पड़ेगा शिमारो की टीम को कि मतलब फटाफट आ गया, मतलब फटाफट शो आ गया, लगा था दिवाली आ जाएगी पहले, लेकिन ये लोग इतने टाइम में लोगों की पीपीटी बनती है उतने टाइम में शो बन गया यहाँ पे। तो मतलब मानना पड़ेगा। सर आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, कई सारे ढेर सारे शो आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग मानते हैं कि ऐसे में कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है? मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट में कोई कंपटीशन जैसी चीज होती नहीं है, क्योंकि हर एक जो कंटेंट होता है उसकी एक ऑडियंस अलग होती है, उसकी मार्केट और उसकी अपील, एक कनेक्ट जो होता है ना वो अलग होता है। तो अगर शो पैशन से बना है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पैशन और जो एक होमली फीलिंग से जो शो बना है उससे जो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वैल्यू निकल के आती है वो बहुत ही अच्छी है। तो इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि कोई कंपटीशन जैसी चीज़ है। जो अच्छी चीज़ है, अगर समझो मान लीजिए दो अच्छी फिल्में रिलीज होती हैं तो दोनों अगर अच्छी हैं तो दोनों फिल्में चलती हैं, जो नहीं होती है तो नहीं चलती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई कंपटीशन जैसी बात नहीं है। यार ये शो हमने जो हमारी डीटीएस सर्विस है कॉमेडी वाली उसके लिए बनाया है। सो इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस शो वाज हाउ वी कैन एंटरटेन आवर ऑडियंस
जिससे उनका स्ट्रेस कम हो, वो होमली फील करें, यही थॉट लेके हमने कि चलो एक चैट शो बनाते हैं जिससे लोगों का स्ट्रेस कम हो, वो कॉमेडी एंजॉय करें घर पे बैठ के फैमिली के साथ कॉमेडी देखें. सो कॉम्पिटिशन जैसा कुछ भी नहीं है. सो जस्ट द एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग एंड होपफुली वी विल सक्सीड इन दिस. चुप्पी हो गए बाकी. गेस्ट में कौन कौन नजर आने वाले हैं? है, देखा नहीं अभी. गेस्ट में जितने भी लोग हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनको एक घंटे पहले भी फ़ोन करो ना कि आना है तो आना ही पड़ेगा, तो वो आ गए. जैसे कि जैसे कल मनीष पॉल आने वाले थे हमारे शो में, और एक दिन पहले उनका फ़ोन, एक दिन पहले नहीं उसी सुबह फ़ोन आया कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी. तो फिर हमको लगा कि अब क्या करें, शूट भी है सब. फिर हमने कृष्णा को फ़ोन किया एक घंटे पहले, हर्ष ने फ़ोन किया, उसने बोला हाँ भाई जिम में हूँ, वही ऐसा ऐसा हुआ है कि आज इनकी डेट थी मनीष पॉल की, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है आपकी, मतलब चार दिन बाद की है. तो बोलते कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ. एक घंटे में कृष्णा हमारे पास आ गए, और मतलब उनकी स्क्रिप्ट अभी लिखी भी नहीं हुई थी, बट वही जो 15-20 मिनट में लिख के जो तैयार किया, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है इस शो का. और बहुत सारे लोग हैं, मनीष पॉल नहीं है सॉरी कृष्णा है, सुदेश जी हैं, करण वाही हैं, सिद्धार्थ जाधव है, अदिति भाटिया है, रिद्धिमा पंडित है, और अदा खान है ऋत्विक है, बहुत सारे लोग हैं. बाकी देख के आप देख पता चल जाएगा, मैं भी हूँ. हर्ष भी है. आपका कोई पसंदीदा जो आप जिसे आप फॉलो करती हो, पसंद करती हो, ऐसा कोई होस्ट को? फिर से वही बात, एक ही जवाब है, कपिल भाई. उनका जो चैट शो आया था जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जैसे चैट शो और सारी चीज़ें होती थी, लेकिन हमारा प्योर चैट शो है. जैसे उनके शोज में गैग भी होते थे, इंटरव्यू भी होता था, हमारा पूरा चैट शो है, इंटरव्यू बेस है, पर्सनल इंटरव्यू है कि भाई कब शादी करोगे, या फिर बीच में काम नहीं है तो अभी क्या कर रहे हो, आपके दो बच्चे हैं. जैसे कृष्णा अपने बच्चों की बात नहीं करते कभी भी, लेकिन हमारे शो पर बहुत बारी बात की है. कश्मीरा की बात नहीं करते कभी, लेकिन हमारे शो में बहुत की है. सो करण भाई को सब बोलते हैं कि लड़कियों जैसा फेस है, तो वो भी बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन मैंने तो बिंदास बोला है, क्योंकि वो उसने भी सामने से बहुत कुछ बोला है. लेकिन इतना मज़ा आया ना वो शो करने का. और जैसे DTS में आपको पता ही है कि कम टाइम वाले होते हैं, 15 मिनट 20 मिनट ये वो, लेकिन हम इसमें कितनी देर बात करते रहते थे, टाइम का पता ही नहीं चलता था. फिर एडिट में इनको पता चलता था क्या रखें क्या ना रखें. सो बहुत मज़ा आया, और बहुत सारे जितने भी मेरे अच्छे दोस्त हैं सब इस शो में. हाँ, वो मैंने कभी भी नहीं बोला कि हमारा कोई शो आ रहा है. पता नहीं कैसे, पूछे भी ना कैसे अजीब से ही छाप देते हैं. एक बार मैं धीरे धीरे चल रही थी तो भारती बनने वाली है माँ, मतलब जब धीरे धीरे चलो तो माँ ही बनते हैं सब. वो तो ये भी कभी कभी धीरे चलते हैं. तो मेरे को होता है कि जितना भी मीडिया है तो हम है, लेकिन कुछ इतने अच्छे लोग हैं मीडिया में, दोस्त हैं सामने से, जैसे ये हैं पूछते हैं कि भाई ये चीज़ आई है क्या, ये सही है? तो मैं बोलती हूँ कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे नहीं पता, तो वो नहीं चापते. लेकिन कई जैसे अभी पत्नी से छीना पानी और खुद पी गए, बीवी मुंह देखती रह गई, ये कब किसने कब, मतलब समझ नहीं आती. और मैं ऐसी बिंदास लड़की हूँ कि जो सच है वो सच बोलती हूँ, बिना पूछे छाप देते हैं कि कृष्णा के साथ शो आ रहा है. मैं और कृष्णा, कपिल भाई एक साथ कर रहे हैं शो, लेकिन तब कोई विचार नहीं था कि दोनों शो लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. पता नहीं कौन सी भारती ने बोल दिया और छाप दिया. ओके, तो जैसा कि हर्ष जी, जैसा कि आपने बताया कि जब आप अपने गेस्ट को जब बुलाते हैं, सडनली जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपको किसी को दूसरे को बुलाना होता है, तो ये जो प्रेशर होता है ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? अगर शाहरुख खान ने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सलमान खान जी हम रेडी रहते हैं. क्योंकि हम उनको ही फोन करते जिनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, है ना. जैसे कि कृष्णा के साथ हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, हम लोग साथ में जिम करते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, सारे जितने भी जो भी हमारे जो 13 गेस्ट है वो सारे दोस्त है हमारे. तो मतलब एवरीबॉडी वाज वन कॉल अवे, और किसी को हमने मतलब 80% लोगों को डेट कंफर्म नहीं की थी. बोला था भाई कल फ्री है, बोले हाँ फ्री हूँ, कितने बजे तक? 4 बजे तक. हाँ चल, तेरा 4 बजे करते. तो इतने अच्छे दोस्त है,
कि कुछ लेता भी नहीं है, वो खाना खिला दो बस अच्छा सा तो वो इतना प्यारा है, मतलब कि जब जिस चीज को बोला ना कि हमारा पहला शो है, हमारे प्रोडक्शन का पहला शो है, शिमारो के साथ कर रहे हैं, अरे अच्छा उनके साथ कर रहे हैं तो आपको इतना मतलब बढ़ चढ़ के लोगों ने हेल्प की कि अब मैं आ जाऊँ क्या, आज है डेट फ्री, हमने बोला 13 ही एपिसोड है तो क्या करें, अभी अगला जब करेंगे तब उन सबको बुलाएंगे। इस बार कुछ अलग करेंगे, फुलझड़ी उल्टी जलाएंगे, जिधर से जल्दी उधर से पकड़ेंगे। नहीं नहीं, फुलझड़ियां तो हम खैर इनकी लाइफ में आई गई है, बड़ा आलू बम। पटाखे, पटाखों से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। मेरे को तो लगता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में पेट है, उस दिन उसकी जो हालत होती है उसको कोना नहीं मिलता कि वो कहाँ छुपे। बचपन में हमने बड़े पटाखे चलाए, लेकिन अब जब धीरे धीरे समझ आई इस चीज़ की तो हाँ भी लगता है कि थोड़ा गलत है, हमको इतने नहीं चलाने चाहिए, एक आधी फुलझड़ी जलाओ और मतलब खुशी मनाओ और बस, गेट टुगेदर करो, फैमिली के साथ रहो। हम तो बहुत सारी पार्टीज में जाने वाले हैं और खुद भी घर में रखने वाले हो, इधर कह दिया बुलाना पड़ेगा अभी सो खुद भी घर में पार्टी रखने वाले हैं तो हम गेट टुगेदर करते कहते। दिवाली वही होती है, जरूरी नहीं दिवाली जब आए, जब आप अपनी फैमिली के साथ खुश होते हो, वो हंसी के ठहाके लगते हैं, बैठते हो तो दिवाली उसी दिन है। तो हम अपने पेरेंट्स को, हमारे मतलब सास ससुर को, उनको पता नहीं है कि हम बिजी हैं कि नहीं, लेकिन हम उस दिन फ्री हैं तो उनके लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि बहू और बेटा पूरा दिन घर पे आए, ऐसे होगा। मतलब सासू माँ तो इतनी खुश हो जाती हैं कि जिस दिन हम दोनों घर पे, वो पूछती रहती है हर 15 मिनट बाद क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाया, ना ऐसी सास सबको मिले। नहीं नहीं इतने क्लोज नहीं है बिल्कुल। किंग खान को मैं यही कहना चाहूंगी कि हैप्पी बर्थडे, आप सुपरस्टार हैं और हमेशा ही रहेंगे। जब टीवी पे देखते थे जब छोटी थी तो होता था कभी उनसे बात कर पाएंगे क्या, लेकिन आज जब उनके साथ कभी कभी हमारे शोज पे आते हैं अपनी फिल्मों के लिए, इतना मतलब कभी कभी डर लगता है कि ये ब्रीफ करें, सर आपको ना फ्रॉक पहननी है, ए फ्रॉक पहन, मतलब ओके। तो वो मैंने और हर्ष ने हम सब लोग एक बार उनकी वैन में गए उनको ब्रीफ करने, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, फिर पढ़ के उन्होंने इनको बताई भी कि ऐसे बोलूं चलेगा, सर मैं एक लाइन चेंज कर सकता हूँ। तो हम लोग को इतना ऐसा लगा कि जितना बड़ा आदमी उतना डाउन टू अर्थ कि सर मैं ये लाइन चेंज कर सकता हूँ, क्यों स्क्रिप्ट अपने हिसाब से लिखी होती है। तो हम वही बातें करते रहे और मैं उनकी मतलब वो शाहरुख खान पहले शख्स हैं जिन मतलब जिन्होंने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया था। एक्चुअली वो हमारे एक शो में आए थे दिलवाले की प्रमोशन के लिए, तो गेरुआ गाना हम कर रहे थे, तो एक सीन था जिसमें मैंने उनको किस करनी थी, तो मैं ऐसे किस करने लगी उनका गला आ गया, तो इधर किस हो गई, फिर उन्होंने भी पकड़ के मेरे इधर इधर कर ली, अच्छा तो लगा था लेकिन मैं बड़ी एम्बैरेस हुई थी, मैं कहा हाय शाहरुख खान ने पप्पियां कर ली इतनी सारी। लेकिन वो इतने अच्छे हैं, शूट चल रहा होता बीच में पानी पी, एक मैं पानी पी सकता हूँ पूछ पूछ के, वरना वो बोले रोको पानी पीना तो कोई बोल थोड़ी सकता है कुछ। सो इसीलिए 2 तारीख को उनका बर्थडे है और 3 तारीख को हमारा शो लॉन्च हो रहा है, तो SRK को यही कहूंगी कि प्लीज बर्थडे मनाने के बाद ₹5 है वो करके भाई, बर्थडे मनाने के बाद तुरंत 3 तारीख को मेरा शो देखना और फिर बताना ऐसे ऐसे करके कि कैसा लगा, और होप सो कि हमारा शो इतना बड़ा हो जाए कि हम अपनी फिल्म के लिए वो हमारे शो में आए। क्यों हर्ष? जरूर जरूर, मुझे पता है केक का, केक लेके जाइए। थैंक यू सो मच, और जितने भी हमें प्यार करते हैं हमारे फैंस, शिमारो के व्यूअर्स हैं जितने, उन सबको मेरे हर्ष और हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू, थैंक यू।